इतिहास की तलाश में निकल चुके हैं, जहाँ जहाँ से होकर गुजरते हैं वहाँ के इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से आप लोगों के बीच ये सारी जानकारियाँ जुटाकर लाते हैं। चौदह बरस काट के आए थे बनवास से, यहाँ पर राम जी हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, यही रूप से आए थे बनवास से माता सीता जी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गया जंक्शन से ऑटो, टैक्सी, बस या फिर पर्सनल कार से आप आसानी से आ सकते हो। राजगीर रोड में आपको 10 किलोमीटर दूर एक पुलिया मिलेगा, पुलिये की बगल से ये रास्ता सीधे आपको सीतागुंड ले जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1/2 किलोमीटर है। मेरे पीछे आप देख रहे हो एक बड़ा सा गेट है, यानी कि मैं आज फिर आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो इतिहास के पन्नों में आप शायद पढ़े होंगे लेकिन उसे देखे नहीं होंगे। तो गाइस, इतिहास को जितना देखने में मज़ा आता है उतना पढ़ने में मज़ा नहीं आता। देखने से बारीकी से हर चीज़ पता चलती है। तो आज मैं हूँ सीताकुंड में, ये कुंड गया में स्थित है। यहीं पे माता सीता अपने ससुर यानी राजा दशरथ की पिंडदान की थी। तो चलिए अंदर जाके डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे एक छोटा सा धर्मशाला मिलेगा, इसमें रहने की सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ पे शौचालय है और बैठने के लिए सीट बनाए गए हैं। इधर लेफ्ट साइड में एक रेलिंग बनी हुई है, इसके जरिए आप नदी में जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम सीता की कुंड दर्शन करने से पहले स्नान की जाती है, इसके बाद उनके दर्शन करके पिंड वगैरह दान जो करने की प्रोसेस होती है वो सब की जाती है। तो हम लोग सीधे आगे की ओर चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक छोटा सा सूर्य मंदिर मिलेगा, उसके पीछे में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। कुछ लोग पीपल की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी और ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं। अभी यहाँ पे साफ सफाई की काम चल रही है, इस सीढ़ियों के द्वारा आप ऊपर जा सकते हैं, वहीं पे आपको रामकुंड का दर्शन होगा। जैसे ही आप अंदर जाएंगे एक आपको गुफा मिलेगा, इसी गुफा में रामकुंड का दर्शन होगा। अगल बगल की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, काफ़ी पुरानी लग रही है। यही रामकुंड है, इसी को लोग रामकुंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग वगैरह भी रखे हुए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं सीता कुंड की तरफ। आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखना बाकी है। तो गाइस, ये मेरे पीछे एक कुटिया दिख रहा होगा, इसे भरत आश्रम के नाम से जानते हैं, यानी जिस समय राम सीता लक्ष्मण की यहाँ पे प्रवेश हुई थी उस समय भरत भी आए होंगे और उनके लिए रहने के लिए यहाँ पे एक आश्रम बनाया था। तो वही आश्रम में हम लोग अंदर जाकर देखने वाले हैं कि अंदर क्या ऐसा चीज़ है। अंदर में आपको जगन्नाथ, बलराम और समुद्रा माता की मूर्तियाँ मिलेगी। उसके बगल में इधर खरम रखे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो खरम है यानी पैर में पहनने वाले पुराने जमाने की चप्पल है, ये चारों भाई की है, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की है। अंदर की चीज़ें देखकर मैं हैरान हूँ, ये गुफाएं काफ़ी पुरानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत दिनों से डेंटिंग पेंटिंग साफ सफाई की काम नहीं हुई है और ये काफ़ी जर्जर हालत में दिख रहा है, कभी भी ये मुसीबत ला सकती है। इसकी मेंटेनेंस वगैरह का ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को।
14 बरस काट के आए थे वनवास से। यहाँ पर राम जी हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, ये रूप से आए थे वनवास से, माता सीता जी। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक नीम का पेड़ मिला। इस पेड़ के अपोजिट साइड में माता सीता की कुंड है। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने यहीं पे राजा दशरथ के हाथों में पिंड दान किए थे। तो विशेष बातें यहाँ की पुजारियों से जानने की कोशिश करते हैं। दशरथ जी महाराज का हाथ निकला है, सीता जी ने पिंडदान दिया है। कहा गया कि यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता 14 साल वनवास काट के इस जगह पर आए थे पिंडदान करने के लिए। सीता माता को इस जगह बैठा के राम लक्ष्मण दोनों भाई नदी उस पर चले गए थे पिंड का सामग्री लाने के लिए। सामग्री लाने में थोड़ा विलम्ब हो गया था। उसी बीच राजा दशरथ महाराज का आज्ञा हुआ, आकाशवाणी हुआ कि पुत्री मुझे पिंडदान दो। सीता माता ने बोला, हमारे पास कोई समाप्त नहीं है, हमारा स्वामी नदी उस पर गया पिंड का सामान लाने के लिए, सामान लेकर आएंगे तब पिंडदान करेंगे। दशरथ जी ने बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे पिंडदान दो, नहीं तुम्हें श्राप देकर चले जाऊंगा, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद पिंडदान के सड़क का फाटक बंद हो जाता है। उसी सीता माता ने नदी से रेत उठाकर पिंडदान दिए थे। एक पिंड हाथ में दिए, दो पिंड रखा हुआ है। सीता जी ने तीन पिंड दिए थे, तब पाँच को विटनेस रखे थे, साक्षी गौ ब्राह्मण तुलसी फल्गु नदी हरा छह बैठ। जब राम लक्ष्मण इस पर आए सीता माता को बोलो पिंडदान करने के लिए, सीता माता ने बोला, हमने पिंडदान कर दिया। बोला, इसका कोई विटनेस है, साक्षी है? तो पूछा गया पहला फल्गु नदी से, फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि हमने पिंडदान देते नहीं देखे। सीता माता ने उसको श्राप दे दिया कि गुप्त गंगा अंतरशिला हो जाओ, अंदर से पानी बहेगा, ऊपर सूखा रहेगा। फिर गया वाला पंडा जी से पूछा, पंडा जी ने भी झूठ बोल दिया, पंडा जी को श्राप दिया, लाख विधन मिलेगा, मन में संतुष्टि नहीं रहेगा, भिक्ष दलित रहोगे। गौ माता से पूछा, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, गौ माता को श्राप दिया, कली काल में तुम विष्ठा खाओगे, मुख अपवित्र रहेगा, गौ माता का पूछ पकड़ कर पूजा होता है क्योंकि मुख उसका अशुद्ध रहता है। फिर उसके बाद तुलसी से पूछा, तुलसी ने भी झूठ बोल दिया कि हमने पिंडदान देते नहीं देखे। सीता माता ने क्रोध में आकर उनको भी श्राप दिया, तुम गंदे स्थान पर जन्मोगे, घर आंगन में हम आप लाके रोपते तो सूख जाता है, अब गंदे जगह पर देखिए हरा भरा रहता है। फिर उसके बाद अच्छा भट्ट से पूछा, अच्छा भट्ट ने सच बताया कि हमने पिंडदान देते देखे। सीता माता ने उसको अच्छा वरदान दिया कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश पताल रहेगा तब तक तुम धरती पर मेजबान रहोगे। वो अच्छा भट्ट नदी उस पर है, उसका 12 महीना पूजा पाठ होता है विष्णु वेदी के सामने। हाँ, उसी टाइम का ये हाथ दशरथ जी का है। ये सीता माता ये हाथ है। जैसे आप बाहर निकलेंगे एक छोटा सा प्यारा सा कुआं मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको फल्गु नदी का किनारा मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सीढ़ियाँ बनाई गई है, बहुत सुंदर लग रही है। और ये मंदिर फल्गु नदी के तट पे ही बसा है। वैसे इस अगल बगल की क्षेत्र को काफ़ी सुंदर बनाया गया है, बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए हैं। और नदी के उस साइड में आपको विष्णुपद टेम्पल, जो विष्णुपद मंदिर है, वो मिलेगा आपको, जहाँ पे वट वृक्ष की पूजा होती है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये सारी कहानियाँ त्रेता युग से चली आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस जगह की खूबसूरती रात में 4 गुना बढ़ जाती है, चारों तरफ लाइट से जगमगाती हुई रोशनी काफ़ी सुंदर और प्यारी लगती है। तो आप शाम के समय में भी यहाँ पे आकर आनंद ले सकते हैं। और बच्चे कितने प्यारे होते हैं, देखिए नदी में उछल उछल कर नहा रहे हैं। इन्हें देखकर एक गाना याद आ गया, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जो काफ़ी वायरल हुआ था। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।